दोस्तों क्या हाल मच गए वापस। अब यार देखो ये गेम प्ले नहीं है, ये 1v4 क्लच वगैरह की वीडियो है भाई। इस टाइप की वीडियो यूट्यूब पर बहुत लोग बनाते हैं लेकिन मैं नहीं बनाता था क्योंकि भाई मेरे को है ना देखो लेग होता है मेरा फ़ोन, तुम्हें पता है। अब होना नहीं चाहिए, अच्छा फ़ोन है लेकिन BGMI ऑप्टिमाइज नहीं है तो भाई मोबाइल में नहीं है। गेम तो ऑप्टिमाइज है लेकिन मोबाइल में नहीं है तो दिक्कत आती है, मेरा लेग होता है, इसलिए भाई मेरे से 1v4 निकलते नहीं है। और जब लेग नहीं होता तो मैं पिट जाता हूँ भाई, मेरे साथ ऐसा होता है। और भाई बहुत ज़्यादातर तो मैं निकाल लेता हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं मर भी जाता हूँ तो दिक्कत आती है। और भाई इस वीडियो में तो मैं सिर्फ 1v3 या 1v4 या 1v2 की क्लिप्स दिखाऊँगा, गेम प्ले नहीं दिखाऊँगा। क्यों दिखाऊँ गेम प्ले फालतू में? मैंने सोचा 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं करके एक अच्छी वाली वीडियो बना देता हूँ। और हाँ मैं देखो रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं गेम ही नहीं खेल पा रहा हूँ सही से, क्योंकि भाई ठंड आ चुकी है मैं तुम्हें सही बताऊँ तो। और भाई हाथ ही नहीं चलते मेरे तो भाई गेम प्ले तो। अब मैंने सोचा रहा कि गेम प्ले नहीं मतलब गेम प्ले बनाना बंद करूँगा और क्लच वगैरह की वीडियो अपलोड करना चालू करूँगा क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है क्लच निकालने में लेकिन गेम प्ले निकालना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि स्कोर वगैरह की क्लचेस वगैरह ही डालूंगा और आज से मैं वही करने वाला हूं। तो 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड करूंगा लेकिन एक अच्छी वाली वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी क्लच वाली। तो बस अब क्लचेस देखो और तुम्हें मज़े आएंगे, बस देखते जाओ। अभी मैं जो है मिल्टा पे आ रखा था, जो भी मैंने बंदे अंदर पहले उन सबको पेलने के बाद ये एक स्कोर बच रखी थी। इनके मैं टीममेट साइज एक आदमी पहले पेल चुका था लेकिन अब ये बंदे मेरे ऊपर रश करने वाले थे और मैं देख लेता हूँ इनको, मतलब साउंड आ जाता है। और बस देखो और भाई इनको जो पहला है ना मैंने भाई मजा सा आ गया। जब तुम बिना रिलोड के कोई सा भी क्लच करते हो ना तो भाई एक अलग ही फीलिंग आती है, वो बहुत ही अच्छी होती है कभी तुम कर पाओ तो। लेकिन मैं अच्छे से नहीं खेल पाता हूँ तुम्हें खुद ही पता है, और ठंड आ गई है तो और भी नहीं खेल पाता हूँ। अभी देखो दूसरा क्लच दिखाता हूँ जिसमें मैं जो हॉट ड्रॉप पे आ रखा था और मेरा गेम हो रखा था इधर पे लेग। अब यार ये कोई सा क्लच नहीं है यार, ये तो बहुत घटिया क्लच था। लेकिन मैं वीडियो एडिट नहीं करी है मैंने और मैं वॉइस ओवर करना चालू कर दिया है तो भाई देखो अब थोड़ी देर ना रुको जरा, मैं वीडियो एडिट वापस से करता हूँ फिर वॉइस ओवर करूँगा वापस से। One hour later. और भाई मैंने कर दी वीडियो एडिट और मैं सही में आधे घंटे बाद ये वीडियो मतलब वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जो मैंने पहले करी थी वो बहुत जल्दी करना चालू कर दी थी मैंने, वीडियो भी एडिट नहीं करी थी। लेकिन अब मैंने इफेक्ट वगैरह और वीडियो क्रॉप वगैरह सब कर दिया, अब बस ध्यान से क्लचेस देखो और मैं वॉइस ओवर भी करता रहूँगा। अभी देखो मैं हॉट ड्रॉप पे था और इधर पे अब एक स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर रही थी और बस देखो अब यार भाई ये तीनों का जो पहला है ना मैंने सटासट गन निकाल के, और भाई मैंने देखो पहले बोला था बिना गन रिलोड करे पहले तो बहुत मजे आते हैं। अब देखो इनका बंदा ना एक नीचे छुप रखा था लेकिन वो भी रश कर ही देता है और इसको भी पेलता हूँ मैं जल्दी से। और भाई ये भी 1v4 हो चुका था मेरा और फिर क्या था, बहुत मजे आते हैं करने के बाद। और भाई मेरा इधर पर मोबाइल भी लेग हो रहा था हॉट ड्रॉप पे, भाई मैं जब भी आता हूँ मेरा मोबाइल लेग होता है और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी बता रहा हूँ अब देख लो। इधर पे भाई देखो अब ये दूसरा क्लच था, इधर पे मैं जो आता हूँ क्या बंदे पेलने ही आता हूँ वैसे तो, लेकिन ये बंदे बहुत तेज थे और मेरे टीममेट को पेल चुके थे लेकिन मैं इनको देख लेता हूँ और मैं इसको डैमेज देता हूँ। और ये बंदे अब मुझे ज़्यादा ही हल्के में ले लेते हैं, मैं हेलमेट लगा रहा था और ये बंदे को देखो भाई M24 लेके आ रहा है, लेकिन तुम खुद देखो क्या होता है। अब यार इनने मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था, बहुत ही ज़्यादा हल्के में, लेकिन भाई मैं मतलब ये बंदे मुझे आसानी से पेल सकते थे क्योंकि भाई तुम खुद देख सकते हो मेरे एम बिल्कुल भी नहीं लगे थे, ये मुझे आसानी से पेल सकते थे लेकिन इनने कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया तो मैंने इनको रख दिया। अभी देखो करते हैं सेकेंड क्लच की बात। अब इस क्लच को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, मैं इधर आ रखा था स्कूल पे और देखो सामने बंदा तो मैं इसको नोक देता हूँ, अब मेरे को क्लच निकालना था तो रश कर देता हूँ। और अब बस ध्यान से सुनना ऑल पे क्या होने क्या होता है, क्या बात है
अरे अरे यार मैं भी चलाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज चला लेता हूँ कैसी चलती मतलब तूने ट्राई किया है। हाँ मैं चलाता थोड़ी हूँ, मुझसे चलती नहीं था है, क्या? क्या मैं जायरो खेलता हूँ ना इसलिए। मेरे से खुद नहीं चलती है, मैं तो इसीलिए तो चला रहा था आपके गेम। टीममेट वीममेट है कि नहीं? मार दूँ खत्म। आ रहा है वो, खत्म क्या ही बोलूं मैं। और भाई जब तुम बंदों को पेल के उनसे बात करते हो ना ऑल पे तो बहुत मजा आता है, लेकिन भाई मैंने इनकी आवाज़ सुन ली थी, ये धीरे से बोल रहे थे कि तू अपार्टमेंट से मारना जब ये बंदा हमको लूटे। और भाई मैं डायरेक्ट ट्रस्ट करता हूँ अपार्टमेंट पे, लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही तेज था, मेरी कार ले जा रहा था, तो खुद देखो क्या होता है इसके साथ। अब करते हैं दूसरे वाले क्लच की बात। तो देखो मैं इधर पे वापस से हॉट ड्रॉप पे आया था और सामने बंदा था, इसको देता हूँ मैं नोक, लेकिन इसके जो टीममेट थे वो नीचे थे, मैं फ्री फायर देता हूँ कोई नहीं आता, लेकिन ये बहुत तेज चल रहे थे भाई साहब, स्मोक वगैरह करके आ रहे थे। मैं समझ गया था ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन मैं इसको इसको स्मोक के अंदर पकड़ लेता हूँ बस देखो। और भाई इसको जो एड लगता है एक बंदा नोक और होता है। अब मेरे को पता था इसका तीसरा टीममेट रिवाइव देने गया, तो मैं रश कर देता हूँ। और भाई इसी के साथ को भी निपटाता हूँ जल्दी से, और इनका जो पहले पहला था उसको भी नॉक करके फिनिश करता हूँ। अब क्या नहीं, इसके बाद ये उसी मैच का था, देखो इसके बाद ना और बंदे इधर आ चुके थे, तो नेट से नॉक करता हूँ। अब जैसे ही नेट से नॉक किया भाई, एक बंदा ना देख रहे हो तो मेरी किल चुरा के भग गया, तो मैं समझ गया था इसको भी पेलना पड़ेगा, और ये आता है फिर, और इन भाई को भी मैं निपटा सुलझा देता हूँ। और भाई देखो इस वीडियो में ना इतने अच्छे खास क्लच वगैरह थे नहीं, अच्छे वाले क्लच, क्योंकि भाई देखो मैं थोड़ा गेम प्ले निकाल रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई गेम प्ले क्यों निकालो, स्कोर क्लचेस वगैरह की वीडियो बनाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो इस वीडियो में जो है अच्छे क्लच वगैरह नहीं दिखा पाया। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें वो है, मतलब उसमें जो है ना बहुत अच्छे क्लच निकाल के दिखाऊंगा तुमको, तो तुम्हें बहुत मजे आएंगे। और भाई यही था आज की वीडियो में।